हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी हैं बढ़िया। मैं तो जैसा जैसी रहती हूँ आपको पता ही है। आज जाना है मेरे को दवाई लेने, डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि तो डॉक्टर ने दी थी 1 हफ्ते की दवाई और मेरे को हो गया कम से कम 10-11 दिन, तो टाइम ज़्यादा हो गया है। घर में ये पूजा थी, बस एक के लूँगी, एक के लूँगी। घर में पूजा थी तो मैं इसलिए जा नहीं पाई। आज थोड़ा फ्री हुई हूँ तो आज दवाई लेके आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाई बीच में मैं छोड़ नहीं सकती। तो मैं और विशु जाएंगे अभी रोहतक तक। वो तो गए हैं काफ़ी लेट, आज की कैंसिल थी, पर दवाई नहीं छोड़ सकती। हम निकल लिए थे घर से और ये देवर की शॉप है यहाँ पे, यहाँ ये आगे खड़ा हो गया बिल्कुल गाड़ी के आगे, बोल रहा जाने नहीं दूंगा, बाहर रुका ही लूंगा। बर्फी वाले के वहां चलो, और सामने ये इसकी क्या है, ये हलवाई बर्फी वाला की क्या है, ये बर्फी वाला। वो तो सारी चीज मिल रहा, बर्फी बर्फी थोड़ी मिल रहा, सब कुछ कृष्णा मिल वेली देखो, नून रहा। दिखा, नून दिखा। हाँ, तो ये बोल रहा कि चलो अंदर कुछ खा पी लो, बाकी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। नाश्ता करो, नाश्ता ना नाश्ता नाश्ता कुछ नहीं करते, दवाई लेके आनी है, दवाई का टाइम निकल जाएगा। और तू भी अपना काम कर ले, डोसा खा लो, डोसा ना, कोई डोसा पोसा नहीं खाना। गोलगप्पे केसर बादाम का दूध, अरे जब जी करेगा जब पी लेंगे, आई जी नहीं करता, बस मूड ठीक नहीं है, मूड खराब है। मूड ठीक करो, हो जाएगा, माता रानी करेगी कृपा। बच मैच गाजिल। हमने ली हॉस्पिटल से दवाई और हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं, वहां थी ज्यादा भीड़ तो वीडियो नहीं बना पाए हम। और अब जा रहे हो एक बार मार्केट में, मम्मी को बुलाया है, मार्केट में ही कुछ सामान लेना है। तो मम्मी ऑफिस से निकल चुकी है और मैं भी यहाँ से निकल चुकी हूँ, तो अब वहीं पे मिलते हैं। विशु ने कर दिया सन्नी को फोन, सन्नी भी आ रहा है अभी। मौसी को देखने थोड़ी देर बाद जाऊंगी, एक बार मार्केट का काम हो जाए, क्योंकि उनका भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका पता लेने भी जाऊंगी। और शायद मैं आज पानीपत ना जा पाऊँ, क्योंकि तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो पानीपत जाऊंगी मैं कल। यह रोहतक का किला रोड, रोहतक का किला रोड, यहाँ पे सारी चीजें मिलती है। ये बाइकों की पार्किंग है, जैसे पानीपत में बस मार्केट के अंदर लेके घुस जाते हैं, घोड़े घाड़े रिक्शा विक्शा सब कुछ, बाइक वगैरह यहाँ नहीं घुसने देते, यहाँ इतनी भीड़ नहीं होने देते। ये आ गया है भिवानी स्टैंड, तो दवाई लेके आ चुकी हूँ मैं घर पे, पानीपत पहुंच चुकी हूँ। वहाँ ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कल ज़्यादा हो गया था फीवर, बहुत तेज़ फीवर हो गया था और हाथ पैरों में ज़्यादा ही पेन होना शुरू हो गया था, तो मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई। अभी मैं सुबह सुबह वहाँ से निकल ली, क्योंकि आज थी अमावस्या और अमावस्या का जो भोग था वो निकालना था, वहाँ से निकल ली थी। फिर भी इन्होंने, तनु के पापा ने और तनु ने, इन्होंने ये काम कर दिया था जब तक मैं पहुँची थी, तो तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी दवाई लूँगी, दवाई लेने के बाद पता लगेगा कि तबीयत में कुछ सुधार होता है या नहीं होता, नहीं तो एक इंजेक्शन लगवा के आना पड़ेगा।